बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। प्रोग्राम मज़हब हक़ आप देख रहे हैं। हमने जो क्लिप दिखाई उससे यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दुनिया तेज़ी से हक़ की तरफ आ रही है, मज़हब हक़ में दाखिल हो रही है, और इस बात की परवाह किए बग़ैर के हुक्मरानों की ख्वाहिश और पसंद क्या है। पहले कॉलर को आज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुर्शिद साहब। बिस्मिल्लाह मौला बिस्मिल्लाह। आपको आयाती दे, इज्जत शुक्रिया दे, शुक्रिया इकबाल दे, शुक्रिया मौला और आपको मौला ज़िंदगी दे। रहती दुनिया तक आपकी आइंदा नस्लों की भी हिफाजत फरमाए और उन्हें आमीन। इसी रास्ते हक पे कायम दायम रखे। सैयद बादशाह, शुक्रिया सैयद जज़ाकल्लाह। आपने दिल खुश कर दिया, तो मौला मेरे आपको दिल सलामत से रखे। आपके लिए दुआएं निकलती हैं। बस तो आपकी बात दुआ। यह है कि डंके की चोट पे एक सैयद का तुर्रा इम्तियाज भी यही होना चाहिए। मेरा दो सवाल है सरकार जी आपसे। बिस्मिल्लाह। हेलो, जी फरमाइए। मेरे दो सवाल है सरकार। एक तो ये कि सरकार ने ये इस हदीस में ये आता है कि कल आलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखता होगा, अल्लाह रसूल उनसे उससे मोहब्बत करते हो करते हैं, तो कर्रार होगा और गैर फर्रार होगा। जी ये कर्रार का लफज साबित कदमी के लिए है और गैर फर्रार के इस पे इजाफा क्यों किया गया? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि सरकार को यह खुदा की तरफ से हुक्म था कि जब भी आप कोई काम करने का इरादा करें तो कहें कि इंशाल्लाह मैं ये करूंगा, जी। तो यहाँ खैबर में सरकार इंशाल्लाह का लफज सरकार के मुंह से नहीं सुना गया, ना किसी हदीस में आया है। सरकार ने सीधा फरमा दिया कि कल आलम मैं उसको दूंगा, जी हाँ। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से सरकार ने आलम सरकार को दिया, इसलिए इंशाल्लाह नहीं कहा, या बेशक। इसकी और कोई वजह तो हो नहीं सकती। जजाकल्ला जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया उम्दा, जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करूँगा। अगले कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगी जिस बात पे आप डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली आप अपना नाम मौला अली बताएंगी? अलैहि सलाम को समझने के लिए हमें इस दुनिया से बाहर निकल के थोड़ा यूनिवर्स में देखना चाहिए। पहले ये समझना चाहिए कि अल्लाह सुताला है क्या और ये पूरा यूनिवर्स क्रिएशन है क्या। बिल्कुल सही बात है। आपने अपना नाम नहीं बताया और कहाँ से बोल रही हैं ये भी नहीं बताया, लेकिन बात आपने बहुत अच्छी बताई। बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉल को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब मैं एजाज चौधरी बोल रहा हूँ जी, लुटन से। फरमाइए चौधरी साहब। मौलाना साहब, आपका प्रोग्राम मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ। खुदा वंदे आला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, और लाही आप जिस तरीके से बयान फरमा रहे हैं जी बस ये हक अदा कर रहे हैं। मौला आपको और ज़िंदगी दे। मेरा छोटा सा एक सवाल है, वो आज तो मुझे जी ज़बानी याद नहीं है कि खुदावंद आलम ने कुरान में फरमाया है जिसने कुफर किया ईमान के साथ, बेशक। तो वो ये ईमान क्या है और कुफर क्या है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। कुफर किया खुदावंद ईमान आलम के बाद। आपको लंबी जिंदगी अता फरमाया, हमारे सरों पर सलामत रखे। वासलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बरकातहू। एजाज हुसैन चौधरी साहब लुटन से। अगले कॉल को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। उसके बाद अब्दुल जनाब सलाम मकसूद हुसैन हुसैन सैयद सईद, साहब इस्लामाबाद से। फरमाइए। मेरा सवाल यह है कि हर नबी के वसी ने उस नबी के पैगाम को आगे पहुंचाया है, जी और जब हजूर ये फरमाते हैं कि उनका इल्म ही उनकी दौलत है, इल्म ही उनका विरसा है, जी तो उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम बाबे मदीनतुल इल्म है, जी अगर कहीं वो कौन सी ऐसी सिफत है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक को लोग पहले नंबर पर शुमार करते हैं? अगर माल की वजह से था कि आप खैरात करते थे या कुछ, तो वो तो हज़रत सिद्दीक की उनके बयान करदा हदीस है कि हम ग्रोह अंबिया ना माल छोड़ते हैं ना माल लेते हैं, तो
तो ये इल्म ही एक ऐसी दौलत थी, वो किस अंदाज से सोचते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अफ़ज़ल हैं। बहुत मेहरबान। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। अगले कॉल को शामिल करते हैं, आखिरी बल्कि कॉल को, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए एक कॉल की गुंजाइश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बहन कौन है, कहाँ से हैं? जी मैं ज़ाहरा बात कर रही हूँ लंदन से। फरमाइए फरमाइए जी मौलाना साहब, मेरा सवाल तो नहीं, एक रिक्वेस्ट है। इस सिलसिले में पहले भी मेरी बात हो चुकी है कंट्रोल रूम से, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो भूल गए या जो भी। एक प्रोग्राम डॉक्टर गुलाम हुसैन अतील का आ रहा था कल, आलम बरज़ख। जी ऐसा मुमकिन है कि मुझे उसकी रिकॉर्डिंग या डीवीडी मिल सके? बिल्कुल मिल जाएगी आपको, जो भी प्रोग्राम और चाहिए एक होगा। दूसरा, मौलाना असगर यजदानी ने, शायद पुरानी बात है 2-3 साल पहले, की ट्रुथ बिहाइंड सकीफा एक वो प्रोग्राम यहाँ किया नहीं था। किया था जी, नहीं यहाँ कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ था। बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जो प्रोग्राम चाहिए वो जो अगर हिदायत टीवी का है तो आपको मिल सकता है। अगले कॉल को शामिल करते हैं, बल्कि आखिरी कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। सैयद मुजाहिद हुसैन लंदन सर्व कर रहा हूँ। जनाब फरमाइए। हजूर एक छोटा सा सवाल है। बिस्मिल्लाह। नंबर एक तो किबला जरा मुबाहला की वजाहत फरमा दें कि वो मुबाहला क्यों हुआ और उसमें जाने वालों की क्या कदर व मंजिलत थी, और जिस बीबी ने अल्लाह की गवाही दी अल्लाह के सच होने की, उससे नसारा का अजाब टल गया, उस बीबी को मैदान बागे फिदक के सिलसिले में जुटलाया गया, तो क्या ये कुरान के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है कि जिसको कुरान सच्चा कह रहा है उसको एक जागीर फिदक के लिए सरेआम जुटला दिया गया? और इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा। और दूसरा एक गुजारिश यह है कि वो कौन सा सोर्स है कि एक एक जो बंदा तहकीक करना चाहता है, मजहब शिया की तरफ आना चाहता है, वो जुहला के हत्थे ना चढ़ जाए और उसको शियत मिलने की बजाय इधर उधर की जहालत उसके पल्ले बांध दी जाए, उससे बचने का क्या तरीका है? कौन सा सोर्स है कि वो बंदा ट्रू इलम तक पहुंचे, ना कि जोहला के हाथों चढ़ के वो और भी राह रास्ते से भटक जाए? ये सोर्स उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से ये इलम हासिल कर सकता है, ठीक है, जो उसको हकीक मजहब अहले बैत की तालीमात से रोशनास कराए। जज़ाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने दो भी उम्दा सवाल किए हैं। चूंकि टाइम हमारे पास नहीं है, हम जल्दी जल्दी जो सवाल आ गए उनके जवाब की तरफ आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही नपी तुली नूरानी कलेमात के ज़रिए से गुफ्तगू फरमाई खैबर की शब के, लउतियन्न रजुलन, मैं रायत रजुलन, लउतियन्न रायत रजुलन, मैं कल उस को अलम दूंगा जो मर्द होगा। ज़रा गौर करने वाली बात है, क्या इससे पहले जितने गए थे वो मर्द नहीं थे? बज़ाहिर मर्द थे, जिनके लिए एक मकाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, या अशबाह रिजाल, ऐ मर्दों की शबाहत रखने वालों। मतलब ये कि असल मर्द वो होता है कि जो डट जाता है। आगे बढ़िए, फरमाते हैं कि युहिब्बुल्लाह व रसूलो, अल्लाह और उसके रसूल को वो दोस्त रखने वाला। इससे पहले गए थे, इसकी कमी थी, यकीनन कमी थी, वरना शिकस्त मुमकिन नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अपना वाकयन फाइनल मोहब्बत का मरकज़ करार दे और वो मौत से डर जाए। उसके बाद वो युहिब्बुल्लाह व रसूलो, और अल्लाह और उसके रसूल भी उसको अपना महबूब बनाए। ये क्वालिटी है तो फिर किसी और के लिए ये अल्फाज नहीं है। फिर आगे ये जो लैसा बे फर्रारिन है या गैर फर्रारिन, ये भी ताकीद है कि वो अब भागेगा नहीं, अब भागने वालों में से नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम और कहाँ दीगर सहाबा किराम। सबकी इज्जत करें हम, सबका एहतराम करें, हमारी ज़बान से किसी के लिए कोई बुरा लफ्ज़ ना निकले, लेकिन ये क्या जुल्म नहीं है कि सहाबा किराम ने भी कभी अपने आप को अली से अफजल नहीं करार दे दिया और बाद में पूरी एक
अक्सरियत ने एक अकीदा बना डाला और मौला अली अलैहिस्सलाम को पीछे कर दिया और किसी को आगे कर दिया। बहुत उम्दा सवाल था, जवाब भी हमने ज़िमनन दे दिया। मोहतरम सैयद अली जान शाह साहब ने एक और ख़ूबसूरत बात कही कि जब भी कल और मुस्तकबिल के हवाले से बात की जाती है तो मुस्ताहब है कि इंशाअल्लाह कहा जाए, अगर अल्लाह चाहे तो। यहाँ पर हुजूर ने इंशाअल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, क्यों? इसलिए कि यह हकीकत है कि अल्लाह के हुक्म से जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार देख रहे हैं कि यहूदी सूरमाओं से घबरा करके, खौफ ज़दा हो करके भागे आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं, किसी में इस्तेकामत नहीं है, कोई भी डट के मुकाबला नहीं कर रहा है, शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त, परवरदिगार मैं क्या करूँ? क़ुरान मजीद में वो हुजूर की दुआ मौजूद है, रब इजअल रब रब अदखिलनी मुदखल सिदकिन व अखरिजनी मुखरज सिदकिन व अजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अपनी तरफ से कोई एक ऐसा मजबूत, कवी, ताकतवर सपोर्टर, हेल्पर, मददगार ऐ अल्लाह तो करार दे। आवाज़ आती है, नाद अलियन मजहर अल अजायब, ए हबीब अली को आवाज़ दे के जो अजायब का मजहर है। तजिद हो आउनन लकफिन नवाइब, वो हर मुश्किलों में मददगार साबित होगा। पुकार, आवाज़ दे। हुजूर ने भी अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। चूंकि अल्लाह का हुक्म था इसलिए फिर इंशाअल्लाह का कोई मतलब ही नहीं होता था, अगर अल्लाह चाहे। भाई अगर अल्लाह चाहे उस वक्त कहें जब आपको ये क्लियर कट पता नहीं है कि ये अल्लाह का हुक्म है, यहाँ अल्लाह का हुक्म है इसलिए इंशाअल्लाह ने कहा। बहुत उम्दा आपने उससे नतीजा निकाला है और ख़ूबसूरत गुफ्तगू एक मोमिना ने भी आके की। आगे एजाज साहब ने जो पूछा कि ये जो कुरान मजीद में कि कुफ्र के बाद ईमान, ईमान के बाद कुफ्र, तो यकीनन ये जो मुनाफिकत है, कुफ्र आया ईमान के बाद आया, ईमान के साथ आया, वो इसीलिए अल्लाह के हबीब ने क्लियर कट बता दिया कि देखो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई ज़बरदस्ती हलक के ऊपर से मजबूरी में पढ़ सकता है, लेकिन अलीयुन वलीउल्लाह कहेगा तब हमें दिल से उसके ईमान को कबूल करना होगा। इसीलिए फरमा दिया या अली हुब का ईमान व बुग्ज़ का कुफ्र व निफाक, ए अली आपकी मोहब्बत ही ईमान है और आपसे बुग्ज़ रखना ही निफाक और कुफ्र है। मकसूद हुसैन सैयद साहब वाटफोर्ड से बहुत उम्दा सवाल उठाया है कि जब ये सारे फ़ज़ाइल एक तरफ हम देखते हैं तो किस बुनियाद पर, किस सोच के तहत हज़रत अबू बकर को जो है वो अफजल बताया जाता है? एक ही चीज़ है, जो इक्तदार पर आ गए उनको उन्होंने औलवियत दे दी और फजीलत दे दी, समझे कि जो आ गए इक्तदार पर वो हो गए फजीलत वाले, जबकि फजीलतों का ताल्लुक हुकूमतों से जोड़ना दुनियादारी है। ये इलाही और रूहानी, मजहबी और दीनी सोच नहीं है कि जो इख्तदार पर आए हाकिम बन जाए वो फिर अफजल हो जाए, नहीं, ये दुनियादारी है, ये सियासत और सियासतबाजी का नतीजा है। वरना अगर फजीलत की बाब में मेयार कुरान को करार दे, सुन्नत को करार दे, किसी भी फजीलत में कोई मौला अली जैसा नहीं है, चैलेंज है मेरा, किसी भी फजीलत में जिस मेयार फजीलत को भी कुरान और सुन्नत से लेकर आओ मेरे सामने और बताओ कि यह मेयार कुरान और सुन्नत के नज़दीक फजीलत का, और उस मेयार में अली से ज्यादा किसी और को फजीलत हासिल है, चैलेंज है, यह तो जहाद है ना। किसी भी फजीलत में, इबादत, सखावत, शहामत, बहादुरी, ईमान, इखलास, नमाज, खैरात, भाई जो हालत रुकू में अंगुश्तरी साइल को देता है तो आए विलायत नाजिल हो जाती है, उसके बारे में अगर कोई कहे कि माल किसी ने दिया था तो वो अली से माल देने के एतबार से अफजल हो गया, ये उसकी अपनी भूल है। माल अली जैसा भी कोई नहीं है,
कि जो फरमा रहा है कि इदा वजद ना आता ना, जब हम पाते हैं तो घर भी लेके नहीं जाते हैं, दुनिया ही में घर पहुंचने से पहले ही दे देते हैं, वह इदा फकदना शकर ना, और जब अल्लाह की बारगाह से अल्लाह की तरफ से रिस्क हमें नहीं मिलता है तो हम उसका शुक्र बजा लेते हैं कि चलो हमारी जिम्मेदारी नहीं। मौला अली ने कोई चीज़ अपने लिए रखी नहीं है, कौन है जो माल के अता करने में भी अली से आगे हो जाए, कोई नहीं है, ईमान में कोई नहीं है, अमल में कोई नहीं है, इखलास में कोई तो बताए, जो मेयार कुरान के हैं उन मेयारात को सामने रखें। लेकिन क्या किया जाए कि सदियों से अक्सरियत को की आंखों पर पट्टी बांध करके हुक्मरानों ने एक चीज़ दिलो दिमाग में ठोस दी, अब वो आसानी से निकलती नहीं है। लेकिन आज जैसा कि आपने उस क्लिप में देखा, तहलका मचा हुआ है मोराको में, टूनिस में, मिस्र में, अलजजीरा में, सेनेगाल में, अफ्रीकन मुल्कों में, हर जगह जहां आप देखेंगे अहले बैत अतहार अलैहिम सलाम की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है और हकीकत दीन को दर्क करने की कोशिश की जा रही है। हमारी बहन जहरा थी, उन्होंने बहरहाल चंद प्रोग्रामों के बारे में कुछ उनकी सीरीज़ मांगी। सैयद मुजाहिद साहब लंदन से मुबाहला के लिए कहा, हमने मुफस्सल आए मुबाहला को इसी मज़हब हक़ा के प्रोग्राम में डिस्कस किया और भरपूर उस पर रोशनी डाली और हवाले जात के साथ रोशनी डाली। हम चाहते हैं आगे बढ़ें, वापस पीछे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन उस आए मुबाहला की अज़मत के साथ और उन हस्तियों की अज़मत के साथ कि जो जिनको अल्लाह ने सच्चों का नुमाइंदा करार दिया और सदाकतों के साथ वो गए, और उनको झुटलाने वाले यकीनन झूठे ही होते हैं, सच्चे सच्चों को झुटलाने वाले हो नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो। हम इससे ज़्यादा फ़िलहाल अर्ज़ नहीं कर सकते हैं, टाइम ही हमारा तमाम हो जाता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि अहादीस की रोशनी में, वो अहादीस के जो अहले सुन्नत के यहाँ मोतबर हैं, मुस्तनद हैं, सही हैं, उन अहादीस की रोशनी में देखते हैं कि हुजूर के बाद अफजल कौन है। हमें दुआ में याद रखिएगा, आप भी कल रोज़े अरफा है, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपकी खिदमत में आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए और मौला अली अलैहिस्सलाम के परचम का साया अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।